अक्सर ज्यादातर किसान अपने बेटे से कहते हैं, बेटा नौकरी कर लेना, खेती में कुछ नहीं रखा है। लेकिन राकेश सिहाग ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। राकेश ने 40,000 रुपए महीने की नौकरी छोड़कर खेती शुरू कर दी। हालांकि किसान अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि खेती में लागत बढ़ने के कारण आमदनी काफी कम हो गई है, परंतु राकेश सिहाग अपनी 9 एकड़ जमीन में सालाना 40 से 50 लाख रुपए कमा रहे हैं। हालांकि ये बात अविश्वसनीय लग सकती है, लेकिन ये सत्य है। आखिर राकेश ने खेती को लाभकारी कैसे बनाया, ये पूरी कहानी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। ये हैं हरियाणा में फतेहाबाद जिले के बैजलपुर गांव के राकेश सिहाग। 5 साल पहले राकेश जूनियर सिविल इंजीनियर के तौर पर 40,000 रुपये महीने की नौकरी करते थे, लेकिन फिर इन्होंने खेती करने के लिए नौकरी छोड़ दी और परंपरागत तरीके से खेती करने लगे। लेकिन इसमें इन्हें ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि खाद पेस्टिसाइड का खर्च ज़्यादा होने के कारण आय कम होती थी। फिर करीब 2 साल पहले इन्हें डॉक्टर राम कुमार खर्ब ने जीरो बजट प्राकृतिक खेती अपनाने की सलाह दी। बस फिर क्या था, खेती में खर्च घटता गया और आय बढ़ती गई। आइए इसकी और अधिक जानकारी राकेश सिहाग से ही लेते हैं। किसान भाइयों, मैं राकेश सिहाग गांव बैजलपुर का रहने वाला हूं, और पिछले 5 साल से लगभग जो केमिकल खेती करा था पहले, जिससे हम बागवानी या सब्जी या जो भी करते थे उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता था। एक्सपेंस ज़्यादा होने के कारण हमारे बचत बहुत कम थी, जिससे लॉस में जाते थे। अब हमने 1.5 साल से लगभग क्या है कि डॉक्टर साहब के कहने से प्राकृतिक खेती या नेचुरल खेती स्टार्ट की है। सबसे पहले हमने क्या किया, उनके कहने से जीवामृत, वेस्ट डीकम्पोजर या घन जीवामृत जैसे प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किए सबसे पहले, जिससे हमें क्या हुआ, उपज में तो कमी नहीं आई बल्कि हमें उपज में वृद्धि के साथ साथ खेती का जो खर्चा है या लागत है वो बहुत ही कम हो गया। सबसे पहले हमने जीवामृत से स्टार्ट किया, जिसके लिए हमें बाज़ार से तो कुछ भी सामान लेना ही नहीं पड़ता है, जो कि हमें बिल्कुल प्राकृतिक या कहे कि किसान के घर से जो सामान आता है उसी से हमने स्टार्ट की। सबसे पहले जीवामृत बनाया हमने और वेस्ट डीकम्पोजर बनाया, जिससे हमारी फसल की बढ़वार में कोई भी कमी नहीं आई। इसके साथ साथ हमें एक फ़ायदा और हुआ कि जो सब्जी है या फल है उसके स्वाद में ही फ़र्क है। इसके साथ साथ बाज़ार में इसकी मांग बढ़ी है, जो जीवामृत और इससे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने क्या है कि जैसे फसल में कोई फंगीसाइड या वो उस यूज़ करते थे, उसकी जगह हमने क्या काम किया, लस्सी से हमने फंगीसाइड बनाया। नीम, करेला, ये सब लेके हमने क्या किया, कीटनाशक दवाई बनाई ऑर्गेनिक, जो पूर्ण रूप से जैविक। उसके लिए हमने नीम से पत्ते, करेला, सब ये चीज़ें यूज़ की। इसके फ़ायदे को देखते हुए जो 1 एकड़ से स्टार्ट की थी वो हमने अब बढ़ाकर 9 एकड़ में कर दिए। इसमें हम 6 एकड़ में तो बाग जो है हमारा वो पूर्ण रूप से हम जीवामृत, घन जीवामृत और वेस्ट डिकम्पोजर यानी कहें कि प्राकृतिक तरीके से करें। इसके साथ साथ हमने बाग में भी सब्जी का काम करते हैं हम। इसके अलावा मल्टी लेयर क्रॉपिंग करते हैं, जिसमें 2 एकड़ में हमने बांस लगा के सब्जी लगाते हैं, जिससे कि मतलब लौकी होगी, करेला हो गया, तोरी होगी, इससे करते हैं। वो पूर्ण रूप से हम प्राकृतिक तरीके से करते हैं यानी जैविक तरीके से करते हैं। इसमें हम कोई भी खाद या कहें कि स्प्रे या कुछ भी नहीं डालते हैं, जो कि केमिकल, जिससे कि हानिकारक होता है। इसमें हम पूर्ण रूप से जीवामृत, घन जीवामृत और या कहें कि जो हमने प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक या फफूंदनाशक तैयार किए उसका यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ ही क्या है किसान भाइयों कि जो प्राकृतिक खेती करते हैं, जैविक खेती करते हैं, जिसे मतलब जीरो बजट फार्मिंग, इससे हमें जो भी सब्जी है बाग से जो भी फल होते हैं, इसके साथ साथ इसकी मार्केट में डिमांड बढ़ी है, जिससे हमें फलों का रेट जो है, फलों का, सब्जियों का रेट जो है मार्केट से हमें ज़्यादा मिलता है, या कहें कि मार्केट से हमें दोगुना प्राइस मिलता है, दोगुना दाम मिलता है हमें। इसके लिए उदाहरण के तौर पे क्या कहते हैं कि जैसे अमरूद का बाग था, अमरूद जैसे स्टार्ट हुए हमारे, तो जो मार्केट में रेट इसका लगभग 20 रुपये से 25 रुपये स्टार्ट है, जबकि हमारे खेत से आके जो सप्लाई, जो कस्टमर कहते हैं, कस्टमर अपने आप 50 रुपये किलो या 60 रुपये किलो हमारे खेत से आके ले के जाते हैं, जिससे हमें एक तो जाना भी नहीं पड़ता मार्केट से, वो भी खर्चा बचा है, प्लस हमें दाम दोगुने मिलते हैं। इसी हिसाब से सब्जी में भी कहेंगे कि लोग प्राकृतिक, मतलब क्या है कि उत्पादन हो ही नहीं रहा प्राकृतिक का, डिमांड तो बहुत है इसकी बाज़ार में पर उत्पादन होता नहीं, इसलिए इस मतलब लाए तो इसका विकल्प नहीं है, कहाँ से लाएँ, इस जिससे हमारे सब्जियों के, फलों के, सब के भाव भी बढ़े हैं।
या हम ये कहेंगे जैसे बाज़ार में यदि गोभी जो गोभी या सब्जी या लौकी कहेंगे जिसका भाव 10 रुपये मिलता है, वो हमें यहीं से खेत से आके लोग 20 रुपये या 30 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेके जाते हैं, जिससे हमारा जो आमदनी है वो लगभग 2 से 3 गुना बढ़ गई है और खर्चा हमारा बिल्कुल भी जीरो हो गया है, जिसके कि जीरो बजट फार्मिंग से हमें ये बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। तो सभी किसान भाइयों से हम अपील करेंगे कि रासायनिक खेती या कहें कि केमिकल खेती को छोड़ के प्राकृतिक खेती अपनाएं, जिससे किसान भाइयों की है आय भी बढ़े और इसके साथ साथ किसान भाइयों का लाभ बढ़े। बागवानी फसलों और सब्जियों के साथ साथ राकेश सिहाग ने अमरूद, आड़ू और आलू बुखारे की भी पौध तैयार की है। इस पौध को बेचकर इन्हें लाखों रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। राकेश नौकरी से जहां सालाना करीब 5 लाख रुपए ही कमा पाते थे, वहीं ये अब अपने खेतों से 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर रहे हैं। राकेश की सफलता से हम यही कह सकते हैं कि जिनके पास खेती के लिए जमीन है, वो नौकरी के पीछे ना दौड़े बल्कि प्राकृतिक तरीके से खेती कर शुद्ध अनाज, सब्जियां और फल उगाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।